कर रही थी, सीए फाइनल में थी और सीए के सारे अटेम्प्ट मेरे एक ही एक बार में क्लियर हुए सारे। फिर जब स्टार्ट किया करना तो ना एक अलग कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उससे पहले सिर्फ मैं किताबों में घुसी रहती थी, मुझे कुछ पता नहीं था दुनिया का। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्टार्ट की, करते करते 4 मंथ में शायद मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। एक बार आप खेलते हो ना तो डर निकलता है आपके अंदर, तो वो डर मेरे अंदर से निकला और एक एक स्ट्रेंथ महसूस होती है। मतलब स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं है कि मैं कितना उठा रही हूँ, स्ट्रेंथ सोच होती है आपकी कि ठीक है मैं किसी से कम नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत कुछ हूँ अपने आप में। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज इस एथलीट से आपको मिलवाने वाला हूँ। फीमेल एथलीट है पहले आपको बता देता हूँ, और ये कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का नहीं है, आज हम स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन में आ रखे हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैन फीमेल एथलीट से आपको मिलवाने वाला हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन से। तो इंडिया में इनका रिकॉर्ड है हैवीएस्ट डेड लिफ्ट, एक्सेल डेड लिफ्ट का रिकॉर्ड है इनका, और आज ये यहाँ पे कॉम्पिटिशन खेलने आ रखी है और आज भी कोई ना कोई रिकॉर्ड बनेगा इनका, तो आज मैं इनसे मिलवाता हूँ आपको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मीट आवर एथलीट। सो हाय, आपका नाम क्या है? कृष्णा। तो कितना टाइम हो गया स्ट्रॉन्गमैन खेलते हुए? स्ट्रॉन्गमैन का ये मेरा थोड़ा सा तेज बोलना। स्ट्रॉन्गमैन का मेरा ये सेकंड गेम है, इससे पहले खेला था एक्सेल डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड अटेम्प्ट, तो वो इंडिया में मेरे ही नाम था, तो वो WDC की इंटरनेशनल वेबसाइट पर डाला भी हुआ, 140 kg में किया था मैंने। और मुझे गेम खेलते हुए मैंने जनवरी 13 से अपना डेब्यू किया पावर लिफ्टिंग इसी ईयर 2021, और ऐसा कोई मतलब प्री प्लान नहीं था कि पावर लिफ्टिंग में आना है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। मैं एकेडमिकली बहुत साउंड हूँ, मैं सीए कर रही थी, सीए फाइनल में थी और सीए के सारे अटेम्प्ट मेरे एक ही एक बार में क्लियर हुए सारे एक बार में। और मैंने अपनी स्कूलिंग की है एयरफोर्स स्कूल से, जिसमें मैं 12th में सेकंड टॉप किया था। सूरत पर? आगरा। अच्छा, आगरा। हाँ, बेसिकली मैं यूपी से हूँ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर सीए किया, तो सीए में सारे अटेम्प्ट मेरे एक एक बार क्लियर हुए। फिर फाइनल ईयर की मैं कोचिंग के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई थी, उस टाइम पे कुछ बीमारियाँ शरीर में लगी तो जिसकी वजह से वेट बहुत मतलब इंक्रीज हो रहा था, हॉर्मोनल चेंजेस ये सब, तो शायद 75 या 76 वेट हुआ हो। उस वक्त डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप पहली चीज़ तो ये गई अपनी बॉडी वेट को आप कंट्रोल करें। तो पहली बार जिम गई मैं 2018 में। अच्छा। पहली बार जिम की शक्ल देखी, तो फिर वहाँ जब वेट कम करने के लिए, हाँ वेट कम कर, कुछ जानती नहीं थी जिम विम के बारे में, सिर्फ वेट कम करने के लिए। फिर जब स्टार्ट किया करना तो ना एक अलग कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उससे पहले सिर्फ मैं किताबों में घुसी रहती थी, मुझे कुछ पता नहीं था दुनिया का। उसके बाद लगा नहीं और भी कुछ है मेरे अंदर, सिर्फ यही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्टार्ट की, करते करते 4 मंथ में शायद मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। अभी 2020 में विक्रम सर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बस ऐसे ही बोला कि तुमको करनी चाहिए पावर लिफ्टिंग, और उनको लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ। उन्होंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा पिकअप रहा मेरा। फिर 13 जैन को मैंने पहला अपना पावर लिफ्टिंग का कॉम्पिटिशन खेला, अच्छा गया काफ़ी। तो जब एक बार आप खेलते हो ना तो डर निकलता है आपके अंदर, तो वो डर मेरे अंदर से निकला और एक एक स्ट्रेंथ महसूस होती है। मतलब स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं है कि मैं कितना उठा रही हूँ, स्ट्रेंथ सोच होती है आपकी कि ठीक है मैं किसी से कम नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत कुछ हूँ अपने आप में। आप खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि नहीं मैं सिर्फ ये हूँ, एक्सप्लोर करो लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट खेला है WPC का, स्टेट खेला है, और अप्रैल में बेंगलोर में नेशनल खेला, जिसमें मेरे 4 गोल्ड मेडल थे। नेशनल में मेरा हैवीएस्ट रॉड टोटल था अपनी कैटेगरी में। उसके बाद मेरे उधर 3 रैंक मैंने ली थी, जो उधर भी वेबसाइट पे नाम है मेरा रैंक में। उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह हुआ तो बस ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग हुई। उसके बाद लोकल गेम्स खेले हैं बहुत सारे, और अभी फिर से स्टेट है हरियाणा का, उसके वो भी खेला है। उसके बाद नेशनल भी है, अभी इंटरनेशनल की भी सोच रहे हैं अगर वीज़ा लगा तो। उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्गमैन, जैसे कि विक्रम सर खुद एक स्ट्रॉन्गमैन एथलीट हैं, तो उनके जो भी ट्रेनिंग होते हैं वो उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि पावर लिफ्टर हो तो सिर्फ पावर लिफ्टिंग करो, एक्सप्लोर करो हर एरिया, एक्सप्लोर करो स्ट्रेंथ का। तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग स्टार्ट की। लास्ट टाइम इनका जो भी गेम हुआ था स्ट्रॉन्गमैन का, उसमें भी मेरा रिकॉर्ड बना, और आज भी स्टैटिक मॉन्स्टर का हम लोग रिकॉर्ड बनाने ही आए हैं।
देखो क्या होता है। तो कितना सोचा है इस बार कितना डेडलिफ्ट करना है? देखो मैं पहले से ना बोलती नहीं हूँ, फिर भी कुछ तो सोचा होगा, कोई तो गोल बना के। लास्ट टाइम 140 था 53 या 54 बॉडी वेट पे, इस बार मेरे को कोशिश है कि मैं 160 कर जाऊँ। और ज़रूर होगा जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं सीनियर कैटेगरी हूँ, 38। अच्छा, अभी आपने लॉन्ग लिफ्ट करा है, तो लॉन्ग लिफ्ट में कितना लिफ्ट किया आपने? लॉन्ग लिफ्ट मैंने पहली बार यहीं किया है, तो 40 kg किया। 40 kg, अमेजिंग अमेजिंग। तो ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छे से करना आप। ऐसे ही आप और भी एथलीट्स की कहानी जानना चाहते हैं तो वीटी टॉक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप इंस्टा हैंडल टाइप करिए वुमेन क्रिश। सो जाइए गाइस और फॉलो करिए इनको। थैंक यू सो मच। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक कर दो अभी के अभी, शेयर कर दो अपने सारे फीमेल फ्रेंड्स तक ताकि वो भी एनकरेज हो पाए, ताकि वो भी इंस्पायर हो पाए इस इंटरव्यू से। और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए इंटरव्यू में किसी नए एथलीट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहे और देखते रहे वीटी टॉक शो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी ज़िंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।